दोस्तों हम लोग आज सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर इनडायरेक्टली में बहुत सारा वीडियो पहले से ही बनाया था, पर मैं आज आप लोगों के साथ डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए बहुत यूजफुल होगा। हम लोग ज्यादा जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड का पावर बहुत ज्यादा है, तो हम लोग उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे यूज करेंगे और इससे हम कैसे लाभदायक एक नुस्खा हम लोग इस सबकॉन्शियस माइंड से तैयार करेंगे। तो सभी क्वेश्चन का एक ही पहलू निकल कर आ रहा है और वो है हाउ, मतलब कैसे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शोभन एक मोटिवेशनल स्पीकर लाइफ कोच हूँ। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये जो सबकॉन्शियस माइंड है इसके बारे में मैंने कभी डिटेल्स में आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, तो मैं आज इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो पहले दोस्तों हम लोगों को समझना होगा सबकॉन्शियस माइंड अल्टीमेटली होता क्या है। हम लोगों के पास तीन तरह का माइंड होता है, बेसिकली मैं दो तरह के बारे में आज बात करूंगा, एक है कॉन्शियस एक है सबकॉन्शियस माइंड। तो दोस्तों कॉन्शियस माइंड क्या होता है? कॉन्शियस माइंड जो हम लोग कॉन्शियसली होकर मतलब जागरूक होकर कर रहे हैं। इसमें कॉन्शियस का मतलब ही यहाँ पर हम लोग आ रहा है कि जागरूकता, हम लोग जागरूकता से जो काम करते हैं उसको कॉन्शियसली कहते हैं इंग्लिश में, तो हम लोग इसको कॉन्शियस माइंड कह सकते हैं। जैसा कि मैं अभी कैमरे के सामने आके आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, मैं ये कॉन्शियसली कर रहा हूँ, तो इसको कॉन्शियस माइंड में आप कंसिडर कर सकते हो दोस्तों। और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है दोस्तों? जो आप खुद से नहीं करते हैं, जो बल्कि होता रहता है, मतलब कॉन्शियसली लेकर नहीं हो रहा है, जस्ट हो रहा है। जैसे कि मैं ये हाथ चला रहा हूं, मैं तो ऐसे ही चला रहा था, पर अभी इसके ऊपर मैं जब ध्यान दिया तब देख रहा हूं, जब मैं बोल रहा हूं तब ऐसे ही वो हाथ चल रहा है। मैं इसको अपने जागरूकता से नहीं कर रहा था, मतलब कॉन्शियसली नहीं कर रहा था। समझ पा रहे हो? इसमें यही फर्क होता है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में। मैं और भी एग्जांपल के साथ थोड़ा इसको एलाबोरेट कर सकता हूँ। हम लोग अगर कुछ बोलते हैं वो कॉन्शियसली बोलते हैं, कि जैसे कि हम लोग जो बात करते हैं वो कॉन्शियसली बात करते हैं, हम लोग चलते हैं तो कॉन्शियसली चलते हैं। मतलब इसके लिए हम लोगों को अपने पैरों पर या बॉडी पर ध्यान नहीं लगाना पड़ रहा है, वो कॉन्शियसली हो रहा है। मैं अगर सबकॉन्शियस माइंड का और एग्जांपल दूं तो इसमें उभर के एक चीज आ रहा है कि अगर हम लोग को भूख लगता है, हम लोगों को भूख कैसे लगता है? हम लोगों को भूख ऐसे ही लगता है, इसमें तो कोई आपको मेल नहीं आता है या आपको मैसेज नहीं भेजता है आपका माइंड कि आपको 10 मिनट में भूख लगने वाला है, अभी 10 मिनट में उसको प्यास लगने वाला है, ऐसा तो नहीं होता है। मतलब ये होता ही रहता है हमेशा। अब बात पकड़ में आ रहा है? अब मैं आता हूं सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। हम लोग जब कुछ सुनते हैं या देखते हैं, हम दोनों पैरामीटर्स में देखते हैं। नंबर वन है मेमोरी का बेस पर देखना और दूसरा एज इट इज देखना, मतलब जो है वही देखना। आपको समझना होगा मेमोरी के बेस पे कैसे देखते हैं हम लोग। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूं एक चीज, ठीक है, जो सुन रहा है ये बातें उसका दिमाग पहले ये आ सकता है कि ये जो बात कह रहा है इसमें उतना दम नहीं लग रहा है, क्योंकि इस चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, व्यूज भी ज्यादा नहीं आता है। इस बात को गहरे से समझना दोस्तों, ठीक है। और अगर यही बात कोई दूसरा चैनल में बहुत ज्यादा उनका सब्सक्राइबर है, व्यूज बहुत ज्यादा आता है उनका, तो जेन्युइनली अगर वो चीज को अच्छी नहीं भी बोल रहा है फिर भी बोलेगा इस बंदे के बात में दम है, क्योंकि इसका सब्सक्राइबर और व्यूज बहुत ज्यादा है। जो ये आदमी देख रहा है, ध्यान से सुनना दोस्तों, जो आदमी इस वीडियो का भी देख रहा है वो मेमोरी के बेस पे ऊपर देखेगा। मेमोरी में ये पहले ही फिटेड हुआ है कि जिसका सब्सक्राइबर या ज्यादा व्यूज होता है वो बंदा या वो चैनल ज्यादा अच्छा है, और जिस चैनल में व्यूज सब्सक्राइबर कम होता है उस चैनल का मतलब थोड़ा बहुत इंपैक्ट आता है, ज्यादा नहीं। यह है मेमोरी का बेस पे देखना या सुनना, और दूसरा है एज इट इज देखना। एज इट इज मतलब जो है जैसा है वैसा देखना, मतलब मैं अभी इस वीडियो में हूं, ठीक है, अभी इस वीडियो में क्या शाहरुख खान को देख पा रहे हैं और किसी पर्सन को देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। मतलब जो है आप वैसे ही मुझको देख रहे हो। मैं और भी चीज को सिंपलीफाई कर रहा हूं, जो आदमी बिना किसी चीज का जांच करते हुए कोई चीज को ध्यान पूर्वक देख रहा है उसको कहते हैं एज इट इज देखना।
जब आप एज इट इज देख सकते हो कोई कुछ भी चीज को विदाउट एनी जजमेंटल माइंड, वो चीज आपके दिमाग में या आपके जहन में इंपैक्ट कर जाता है और वो ही सबकॉन्शियस माइंड में जाकर हिट करता है। और जब वो सबकॉन्शियस माइंड में जाके हिट करता है तब उसमें से कुछ नया निकल कर आ सकता है। हम लोग डेली लाइफ में इसको 95 out of 100 5% भी यूज नहीं करते हैं। हम लोग 5% सिर्फ कॉन्शियस माइंड यूज करते हैं और 95% सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही रह जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप यूज करना चाहते हो तो चीज को एज इट इज देखना चाहिए आपको विदाउट एनी जजमेंट। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एज इट इज देख लेना है, बस इतना सा ही काम है सबकॉन्शियस माइंड का। आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो में आपको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का बहुत इजी तरीके से कुछ आपको समझा पाया, हर एक फैक्ट्स को और कैसे यूज करना है वो भी आपको छोटा हिस्सों में बताया, आपको अच्छा लगा। चलिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, बाय।